अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग निकले शॉपिंग पे। तो गाइज यहाँ एक जगह सेल लगी हुई थी तो हमने सोचा यहाँ जाके देखते हैं। तो हम यहाँ सब कर चुके हैं एंटर और यहाँ हमें मिली बहुत सारी बुरख़े वालियाँ और यहाँ अम्मी और बाजी आगे जाती हुई सामान लेने के लिए। तो हमने सोचा हम भी चलते हैं और हम यहाँ व्लॉग बना रहे थे पीछे पीछे और यहाँ आंटियाँ बाल्टी उठाती। यहाँ पर बहुत सारा सामान था, हर तरह की चीज़ें थी, सेल लगी हुई थी। चलिए अब देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या मिलेगा। और यहाँ सारे बर्तनों के आइटम रखे हुए थे। यहाँ वो ये ना उस टाइप की सेल थी जो चुटर पुटर सेप होती है, इसे कहते हैं चुटर पुटर सेल, जहाँ आपको सस्ता और बढ़िया सामान मिलता है। तो ये वाली सेल थी और हमें हमारी हमारे ख़ुद की ना ये फेवरेट जगह है जहाँ सस्ता और बढ़िया चीज़ मिलती है ना, हमें वही जगह पसंद है। महंगी जगह तो मैं जाना पसंद ही नहीं, हमारी भला से चाहे वहाँ करोड़ों का सामान मिल रहा हो। तो हम तो यहाँ भाई ज़रूर गए, हमने तो बाजी से पहले कह रखा, मैंने कहा मुझे ऐसी जगह ज़रूर जाना है जहाँ अटरम शटरम मिले और चुटर पुटर मिले, क्योंकि हमें चुटर पुटर लेना बहुत पसंद है। तो खैर हम देखते दागते घूमते घामते यहाँ सारी चीज़ों को देख रहे थे। ये यहाँ सारे वो रखे हुए थे, क्या बोलते हैं ना ये पता ही नहीं, अल्लाह ही जाने, हम तो भूल ही गए क्या बोलते हैं इन्हें। और यहाँ किचन का सामान रखा हुआ था बहुत सारा, ये छोटे छोटे क्या थे, ये लुटिया पुटिया सी बहुत सारी चीज़ें थी, वो आपको क्या ही बताते। और यहाँ ये सामान तो बहुत सारा था भाई हमारा। अभी जो जो अच्छा सबसे अच्छा सामान आएगा ना, ये यूँ कहें जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी तो बस ये ऐसे चल रहा था टाइम पास सा। और भाई यहाँ ये आ गया हमारा फेवरेट सामान स्टेशनरी का, ये कलरफुल पेंसिल रबर और क्या क्या था यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। बस ये तो इन्हें देख के तो बस हमारा ऐसा दिल चाहता है ना कि यहाँ पे कुछ छोड़ो ही मत। ये तो फिर भी सेल लग रही थी यहाँ पे, लेकिन अगर हम शॉप पे भी जाते हैं ना कभी स्टेशनरी की, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इरेज़र थे, ये लिपस्टिक टाइप में, ये कलरफुल पेंसिल और कलर, हमने काफ़ी सारी चीज़ें वैसे यहाँ से ली भी थी, अभी दिखाएंगे हमारे हाथ में आपको नज़र आ जाएगा हमने क्या क्या लिया था। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही थी, पाउच वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद है, कलरफुल चीज़ें देख के ना बस हमारा दिल चाहता है कि बस यहीं पे सारी चीज़ें ले लो। और यहाँ मम्मी भी कुछ देख रही थी हाथ में, पता नहीं ये क्या था, ये मेरा ख्याल था शायद सर खुजाने का था, खुजली करने का सर में ओफो। और यहाँ क्या था, ये पता नहीं काहे के ब्रश वगैरह रखे हुए थे। ये देखिए छोटे छोटे ना हार्ट शेप के बॉक्स बने हुए थे गिफ्ट बॉक्स देने के। और भी काफ़ी सारी डायरी, ये लिया था हमने एक, ये हमारे हाथ में कलरफुल रबड़े हैं। और ये एक चीज़ और आएगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ है जल्दी आओ जल्दी आओ। ये रहा, ये देखिए कॉलगेट और ब्रश में ये थी सारी इरेजर, तो हमने ये भी लिया था, ये हमने लिया था अब दान के लिए ये सारा सामान। और ये हमने लिया था, ये सैंडल वाले शॉपनर थे, ये हमने लिया था मरियम के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगा था, हमें पसंद आया था। तो हमने यहाँ से भी काफ़ी सारा सामान जो हमें अच्छा लगा वो हमने लिया था। और वही फिर हमने इस पूरे हॉल का जहाँ ये सेल लगी हुई थी उसका राउंड लगाया पूरा, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, सब घूम घाम के खूब अच्छे से देख के फिर हम लोग यहाँ आ गए बिलिंग काउंटर पे। और यहाँ ये भैया हमारे जो सामान हमने लिया था उसकी बिलिंग करते हुए। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ शांति नगर मार्केट, तो हमने सोचा यहाँ से भी कुछ लिया जाए। और बस फिर हम लोग निकल पड़े शांति नगर मार्केट घूमने के लिए। और यहाँ ये देखिए कितनी बड़ी ज्वेलरी की शॉप थी, यहाँ सब जगह होती है जो आम है, कोई ख़ास नहीं, बस सोचा थोड़ा यहाँ के मार्केट भी देखे जाएँ बॉम्बे के। तो ये अम्मी बाबा चल पड़े हैं कुछ ढूंढते हुए। और फिर भाई हम लोग पहुँचे यहाँ फाइनली, ये कौन सी जगह है, हाँ यहाँ चल रही थी सेल, यहाँ पर भी सेल चल रही थी, यहाँ मिल रहे थे बढ़िया बढ़िया कॉटन के सूट।
तो बस बाजी और अम्मी तो यहीं अटक गई। सूट तो लेने ही थे, अब करना क्या था, कुछ लो ना लो कपड़े तो ले ही लो। तो बस अब ये लोगों ने कब तकरीबन यहाँ आधा पौन घंटा यूँ कहो कि हमारा ख़राब किया है, क्योंकि हमें सूटों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हमारे पास, क्योंकि हम कभी सूट लेने जाते ही नहीं। दरअसल हमें तो अम्मी ले आती हैं और हम पहन लेते, हमें इंटरेस्ट नहीं है सूट, हमें तो सिर्फ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, छोटी मोटी या चुटर पुटर या खाने पीने की चीज़ें, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, कपड़ों लत्तों में नहीं है। और भाई फाइनली तकरीबन आधे घंटे बाद इन लोगों को सूट पसंद आया और इन्होंने सूट ये सब बाबा के हाथ में पकड़ा के हम लोग अगर चल पड़े आगे और चीज़ें देखते हुए क्या क्या मिल रहा है। देखिए कितने प्यारे प्यारे कप भी मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, क्या क्या था मार्केट। फिर हम लोग और घूमे, और जगह घूम घाम कर ही हमने कहा भाई देखें और क्या क्या है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये मिल रहे थे छोटे बच्चों के कपड़े, बहुत प्यारे प्यारे से, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी। तो फिर हमने यहाँ पे भी हमने एक ड्रेस हमें पसंद आई और भैया से हमने ले ली। और यहाँ बाजी आ गई, चलते हम लोग उनके पीछे, क्योंकि बाजी जो हमें पूरा मार्केट घुमा रही थी बॉम्बे का, क्योंकि बाजी रहती हैं बॉम्बे में। तो बस हम उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए चल रहे थे सारा मार्केट घूमते हुए। और फिर यहाँ ये लोग बाबा और बाजी यहाँ गए थे एक शॉप में किड्स वियर में, यहाँ ये लोग फातिमा के लिए एक ड्रेस ले रहे थे। फिर यहाँ बाबा आए जो हमारे लिए डेली वियर के स्लीपर देख रहे थे। और भाई उसके बाद हमें रास्ते में एक मिले बेहतरीन अंकल, तंदुरुस्त, जैसा कि आप कह सकते हैं ना तंदुरुस्ती, ये देखिए। और भाई रास्ते में यहाँ हमें मिल गई एक कैट, तो हमने सोचा इसको प्यार किया जाए, ये मतलब पली हुई थी किसी की, तो ये मतलब आराम से अपने आप को हाथ लगाने दे रही थी, और यही प्यारा सा इसका मासूम सा छोटा बेबी। और बस हम लोग की हो गई शॉपिंग पूरी, क्योंकि मगरिब होने वाली थी, तो हम लोग चल पड़े वापस घर की तरफ, अम्मी सामान उठाते हुए ले जाती हुई। और यहाँ ये अम्मी पीछे रह गई थी, तो बाजी अम्मी से कह रही अम्मी कहाँ रह गई, जल्दी आओ वरना आप पीछे रह जाओगी, खो जाओगी। और भाई रास्ते में भी दिखाई थी ये ड्रैगन फ्रूट, तो हमने सोचा इसको वीडियो में ले लिया जाए। तो गाइस ये था वो सारा सामान जो हम लोग मार्केट से लेकर आए थे, और कुछ हम दिखाना भूल गए क्योंकि वो हम बैग में पैक कर चुके थे। तो ये जो बचा है वो हमने आपको दिखाया है, और ये वो लाइट बल्ब जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।